सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस एंड इस वीडियो में जो पहली वीडियो वेक्टर्स की इसके अंदर में हम जनरल डेफिनेशंस के बारे में बात करने लगे हैं तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी जनरल मोस्ट डेफिनेशन के वेक्टर्स तो मैं आप सबसे ये कहूँगा दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं ऐसा अभी तक आप ऑलरेडी सब लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं फिर भी बता दे रहा हूँ एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अब स्केलर में और वेक्टर में फर्क क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं आई एम श्योर आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं अ क्वांटिटी वेक्टर क्या है इट इज अ क्वांटिटी वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन राइट कोई डायरेक्शन नहीं होती है उसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं मास या फिर वॉल्यूम या फिर स्पीड या फिर डेंसिटी एटसेट्रा ठीक है ना एक ऐसी क्वांटिटी जिनका कि केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है और अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं दोस्तों मैग्नीट्यूड इनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन राइट एंड इसके साथ साथ एंड दीज फिजिकल क्वांटिटीज ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा ये बहुत जरूरी है साथ में बात वेक्टर एलजेब्रा के लॉज को फॉलो करती है साथ में ये अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी क्या है स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया फोर्स हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना ये सारी की सारी एटसेट्रा ये सारे के सारे वेक्टर्स के एग्जांपल हैं ठीक लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा का मतलब है एक तरीके से आप ऐसा समझें विच कैन बी मैन्युपुलेटेड या यू कहूँ एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सर्टेन रूल्स वेक्टर एलजेब्रा के अपने रूल्स होते हैं जैसे बचपन में आप बोर्ड मास पढ़ते हैं उसके रूल्स होते हैं उस एलजेब्रा के इसी तरह वेक्टर एलजेब्रा के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं राइट तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाता है आई एम श्योर यहां तक समझ में आया वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हर बच्चे को हर वो बात समझ में आए जिसने पहले कोई चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इन ईदर ऑफ द केसेस राइट तो चलिए अब हमने ये बात तो पढ़ ली अब कुछ वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ ले हम यानी काइंड्स ऑफ वेक्टर्स काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ठीक है ना बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस यहां पर पढ़ेंगे लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन इट इज जीरो वेक्टर लेट अस टॉक अबाउट जीरो वेक्टर अब ये जीरो वेक्टर क्या है दोस्तों आप आराम से समझें जीरो वेक्टर क्या है अ वेक्टर आप भी सोच रहे होंगे जीरो वेक्टर अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही कहा मैंने जीरो मैग्नीट्यूड ठीक दैट इज जीरो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का क्योंकि एक वेक्टर का हमेशा आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा एक इनिशियल और एक टर्मिनल पॉइंट होता है ना लेकिन जीरो वेक्टर का क्या होगा दैट इज हैज द सेम
इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट होता है, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहा जाता है, राइट right? और इसकी जो डायरेक्शन, अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब हम कोई भी मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी बात समझ में आ रही है, या यूं कहूं इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं की जा सकती है, और इसको जनरली जीरो वेक्टर से डिनोट किया जाता है, जनरली ऐसे किया जाता है, मेरी बात समझ आ रही है, कहने का मतलब है जीरो वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो या फिर नल वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, और डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी है, जीरो वेक्टर कहें या फिर इसको हम, मैं ये भी लिख दे रहा हूं, नल वेक्टर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट इज कोलीनियर, इट इज कोलीनियर विद each and every vector, each and every vector, ये किसी भी vector के साथ में collinear है, तभी तो हम कह रहे हैं its direction, that is its direction cannot be defined, direction उसकी arbitrary है, जो मर्जी मान लो आप, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बात समझ में आई है दोस्तों, ठीक है, तो जैसे कि example के तौर पे मैं इसका एक बढ़िया सा example आप लोगों को समझा दे रहा हूं, क्या एक बच्चे ने एक बॉल फेंकी, ऊपर फेंकी और नीचे उसके हाथ में आ गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है उस बॉल की, इट इज अ नल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, उसकी एक नल वेक्टर है, मेरी बात समझ में आई दोस्तों, तो ये हम कहते हैं जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है, इज इट क्लियर, चलिए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं दोस्तों, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट डेफिनेशन, वी कैन टॉक अबाउट अ यूनिट वेक्टर, किसके बारे में बात कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट, अब यूनिट वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वन है, मैग्नीट्यूड इज वन, ठीक है, मैग्नीट्यूड वन है, और यूनिट वेक्टर को आप, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ए वेक्टर इज नथिंग बट ए कैप, इसको ए कैप लिखते हैं, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज ए कैप, इज ए कैप, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मॉडुलस ऑफ ए कैप वन है, तो आज के बाद अगर आपको कहीं पर वर्ड लिखा नजर आएगा यूनिट वेक्टर, तो अंडरस्टूड है उसका मॉडुलस क्या है, वन है, ठीक है क्या, तो एक बात, अब जैसे कि आपने इतना इतना आप लोगों को पता होगा जरूर, फिजिक्स की नॉलेज आप लोगों ने ली रखी है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इनफैक्ट वेक्टर्स पैरेलल, यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इन सबके पैरेलल जो है आर डिनोटेड बाय, आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, मेरी बात समझ में आई है दोस्तों, तो सही है, और अगर मैं आपसे पूछूं दो यूनिट वेक्टर बराबर हैं, यूनिट वेक्टर बराबर तभी होंगे जब उनकी डायरेक्शन बराबर होगी, मैं लिख दे रहा हूं ये बात भी, टू यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे हैव द सेम डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट है तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, अब आप सोच रहे होंगे सर इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है, तो आइए इक्वल वेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इक्वल वेक्टर्स,
तो लेट अस टॉक अबाउट इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आइए इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स हैं, मैं लिख दे रहा हूं, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं इफ, कब, पहली बात ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरी बात दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। आई एम श्योर ये दोनों बातें आपको समझ में आ जा रही है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, सेम सेंस ऑफ द डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह देते हैं, करेक्ट है दोस्तों। चलिए अब आगे चले हम बात करें, तो अब मैं आपसे एक और बात करूंगा छोटी सी, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, यू मे कम अक्रॉस सच अ डेफिनेशन और सच अ वर्ड, तो मैं इसका मतलब लिख देता हूं, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, दो वेक्टर्स अगर उनका सेम इनिशियल पॉइंट है तो ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। अब मैं आप सबसे अगली बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम वेक्टर्स को, पूरे वेक्टर्स को अगर मैं बात करूं, उनको क्लासिफाई हम दो भागों में कर सकते हैं, एक फ्री वेक्टर्स, एक तो हम बात करेंगे फ्री वेक्टर्स और दूसरी हम बात करेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर्स, दूसरी हम बात करेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर्स। हरी बात समझ में, फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, इन दोनों का मतलब क्या है, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट पहले फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो जो फ्री वेक्टर है वो क्या है कि ऑल सच वेक्टर्स, जो फ्री वेक्टर्स हैं, दीज आर दोज विच व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस, मैं लिख दे रहा हूं ये बात, व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड into space from one point to another point without affecting, ये बहुत important है, without affecting their magnitude and direction can be considered as equal। आप आराम से समझे इस बात को, ठीक है ना, जब कोई वेक्टर्स को स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर कर दिया जाए विदाउट अफेक्टिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उन दोनों वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स कहा जाता है। एग्जांपल फ्री वेक्टर्स का अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, ये बात समझ में की कोशिश करो, या फिर वेलोसिटी, मैं कहूं कोई पॉइंट यहां से यहां तक 5 की वेलोसिटी है उसकी, तो मैं यहां से, ये इनिशियल और ये टर्मिनल पॉइंट है, इधर को मैं उठा करके इधर भी कर दूं और ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या फर्क पड़ा, तो इस तरीके की चीज को फ्री वेक्टर्स कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि यानी फिजिकल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द फिजिकल इफेक्ट, दैट इज द फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड
by them remains unaltered. Remains unaltered. समझ रहे मेरी बात? अरे भाई वेलोसिटी में यहां से यहां बोल दू 5 यूनिट का 5 किलोमीटर पर आवर या फिर यहां से यहां बोल दू, फिजिकल इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आया. इस बात को समझने के लिए और बेहतर लोकलाइज्ड वेक्टर की डेफिनेशन समझते हैं, फिर आपको मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी. सो लेट मी टॉक अबाउट लोकलाइज्ड वेक्टर्स. लोकलाइज्ड वेक्टर्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट इट. लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या है? लोकलाइज्ड वेक्टर्स मतलब कि डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज चेंज्ड. डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन, इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज चेंज्ड. डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट आएगा अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दी जाए. यानी एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स, राइट? भैया आप अपने आप सोच के देखें, एक ब्लॉक रखा है यहां पर, मान लो इसके अपर मोस्ट पॉइंट पर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, ये केस नंबर 1. और इसी तरह ये केस नंबर 2, उसी ब्लॉक को उसी सरफेस पर 5 न्यूटन की फोर्स बिल्कुल नीचे लगाऊं लगभग, तो फर्क होगा कि नहीं होगा? डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस यस, डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट आएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट आएगा. तो ऐसे वेक्टर्स को लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहा जाता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब द इफेक्ट ऑफ सच अ वेक्टर डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन. यानी मैं लिख दे रहा हूं ये बात भी, आपको इससे बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी. यानी कि द इट्स इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन. और ये बात आपको समझ में भी आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन यहां है या लाइन ऑफ एक्शन यहां है, तो डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट आ रहा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अपने को अब ये बात अच्छे से समझ में आ रही है. और अब मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स के अंदर में मेनली हम फ्री वेक्टर से डील करेंगे. मैथ्स के अंदर में अपन लोग मेजरली फ्री वेक्टर्स के साथ डील करेंगे, ठीक है दोस्तों? आई एम श्योर यहां तक बातें हर बच्चे को समझ में आ रही है जो भी इसको वीडियो को देख रहा है. चलिए आइए अब लेट अस टॉक अबाउट अगला डेफिनेशन. अगली बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में. कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? लेट मी टॉक अबाउट इट. कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर्स आराम से समझते हैं इस बात को. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड, इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन. यू गेटिंग माय पॉइंट?
दो वेक्टर्स को कोलिनियर तब कहा जाता है इफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, इस बात को समझने की कोशिश करें, आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन. अब कोलिनियर मतलब समझाता हूं इस बात को, आराम से सुनते चले. इनको पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है? पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स को. ठीक है, तो मैं ऐसा कहूंगा साथ में एक और बात कि इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, तो देन दे आर नेम्ड एज लाइक वेक्टर्स. उनको क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर्स कह देते हैं. एल्स एल्स अनलाइक कह देते हैं. एल्स अनलाइक वेक्टर्स. आप समझने का प्रयास करें इस बात को कि अगर उनकी सेम डायरेक्शन है तो उनको लाइक वेक्टर्स कह देते हैं. दे आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू द डायरेक्शन. मतलब ये ए वेक्टर माना मैंने, ये बी वेक्टर माना मैंने, ये सी वेक्टर माना मैंने, ये सारे वेक्टर्स मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोलिनियर. हम इन्हें कोलिनियर लिख सकते हैं. मेरी बात समझ में आई? इन सबको हम कोलिनियर लिख सकते हैं. वो अलग बात है कि जैसा हमने अभी अभी बात करी, ए वेक्टर और सी वेक्टर को हम लाइक वेक्टर्स कहेंगे क्योंकि इनकी सेम डायरेक्शन है. लेकिन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर या बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को हम लोग अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे. राइट दोस्तों, अब इस बात को और अच्छे से सिंबॉलिकली भी समझते हैं. क्या कहना चाह रहा हूं मैं सिंबॉलिकली? सिंबॉलिकली मैं बोलूंगा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर. इस बात को समझते हैं अच्छे से. इसका प्रूफ क्या है ये मैं आपको बता देता हूं. ए वेक्टर अगर बी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, ये एक स्केलर नंबर है, ठीक है ना, ये एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है, तो जहां पर के कोई भी रियल नंबर है. और बता दूं आप लोगों को, के अगर पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है तो इनको लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे. लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे. और के अगर नेगेटिव है तो इनको अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे. अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे. मेरी बात समझ में आई दोस्तों? सही है. तो अब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी वेक्टर अगर हो तो इसका मतलब ए और बी दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं. इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ क्या है? सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ इट. तो प्रूफ है ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अगर ए और बी दोनों कोलिनियर हैं तो ठीक है दोस्तों. अब इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू एक्स कैप लिख सकते हैं. क्योंकि कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन. एंड इसी तरह आप लोग बी वेक्टर को प्लस माइनस का मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू एक्स कैप लिख सकते हैं. क्योंकि बी वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन. मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा, हो सकता है ए और बी लाइक वेक्टर्स होंगे और हो सकता है वो अनलाइक वेक्टर्स होंगे, तो प्लस या माइनस लिख दिया. तो अब इन दोनों बातों को देखते हुए
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इनटू x कैप, मैंने मॉडुलस b वेक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं है। एज अ रिजल्ट दोस्तों, जो a वेक्टर है प्लस माइनस ऑफ, इसे प्लस माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर होल इनटू b वेक्टर। ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि मॉड ऑफ b x कैप ये लिखा, उसकी जगह प्लस माइनस b वेक्टर लिख दिया, प्लस माइनस अंदर चला गया। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, जो ये जो वैल्यू आ रही है, ये मॉड a वेक्टर और मॉड b वेक्टर, ये दोनों स्केलर नंबर हैं, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम नया नाम दे सकते हैं k, यानी a वेक्टर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ b वेक्टर, जहां पर हमने कहा k की वैल्यू प्लस माइनस का मॉडुलस ऑफ a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b वेक्टर लिख सकते हैं। और अभी अभी कहा k पॉजिटिव है, पैरेलल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स कहेंगे, a k नेगेटिव है तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहा जा सकता है। आई एम श्योर इस बात का प्रूफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, राइट? इसी बात में एडिशन करते हुए दोस्तों, मैं ऐसा भी लिखना चाहूंगा, देखिए सुने ध्यान से, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो कोलीनियर वेक्टर्स, अगर नॉन जीरो हैं और वो कोलीनियर वेक्टर्स हैं, तो देन हम बोल सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर नॉन जीरो कोलीनियर के बजाय, लेट अस टॉक अबाउट नॉन कोलीनियर, ठीक है ना? और अगर दिया हो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो डायरेक्टली लिख सकते हैं दोस्तों आप। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों लिख सकते हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि इसका प्रूफ क्या है, आप आराम से समझें इस बात को भी, आप ध्यान से पढ़ें स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है। मैंने लिखी है स्टेटमेंट, ए और बी अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर कोलिनियर नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनके बीच में कोई स्केलर रिलेशन नहीं है। क्योंकि स्केलर रिलेशन नहीं है का मतलब क्या है, एक मिनट के लिए मानते हैं लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूं माइनस का वाई अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये एक स्केलर नंबर आ गया, यानी ए और बी के अंदर में एक स्केलर रिलेशन आ गया। इससे साफ साफ पता लगा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आ गए, कोलीनियर आ गए। इससे क्या पता लगा, ये दोनों क्या आ गए, कोलीनियर आ गए। बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो देयरफॉर जो हमने बात मानी वो गलत है, यानी x इक्वल टू जीरो आएगा एंड y इक्वल टू जीरो आएगा। आप लेने में जैसे मैंने x इज नॉट इक्वल टू जीरो के थ्रू बात करी है, आप ठीक उसी तरीके से y नॉट इक्वल टू जीरो करके y से डिवाइड करके भी ये बात कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है बात निकल के यही आएगी कि कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगी ये बात, एज अ रिजल्ट x और y दोनों के दोनों जीरो होंगे। कहने का मतलब दो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हैं, तो उनके बीच में नो स्केलर रिलेशन अकर्स, राइट? तो कहने का मतलब, अब इस बात को थोड़ा सम अप करते हैं, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर कॉल्ड एज, ध्यान से समझिएगा इस बात को, आर कॉल्ड एज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर उनको बेस वेक्टर्स भी कहा जाता है। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब उनके बीच में नो लीनियर रिलेशन अकर्स, नो लीनियर रिलेशन अकर्स, मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, नो लीनियर रिलेशन अकर्स। और इसी तरह दोस्तों,
अब मैं ये बोलूं आखिरी बात सम अप करने के लिए कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, अगर वो दोनों कोलिनियर हैं तो व्हाट डज इट इंप्लाई, कि देन उनको क्या कहा जाता है, देन दे आर नोन एज, उनको क्या बोलोगे दोस्तों, दे आर नोन एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। आई एम श्योर ये बात समझ में आई, ठीक है ना, उनको लीनियरली डिपेंडेंट क्योंकि उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन है तो इसीलिए उनको लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाता है, राइट तो सही है, यहां तक ये बात समझ में अपने को आ जाती है। तो एक और बात मैं कर लूं यहीं पर ही, कोप्लैनर वेक्टर्स, क्या कर लूं, कोप्लैनर वेक्टर्स नाम से ही अपने को वैसे तो बात समझ में आ रही है, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो उनको कोप्लैनर वेक्टर्स कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं लिख दूं ये बात, अ गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कोप्लैनर इफ देयर लाइन सेगमेंट्स, इफ देयर लाइन सेगमेंट्स आर ऑल पैरेलल, आर ऑल पैरेलल टू द सेम प्लेन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, मान लो जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं उसी कॉपी में ये नोटबुक है आपकी, इसमें ये वेक्टर सभी इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स इसी प्लेन में है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, कोप्लैनर। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक ऐसा ये एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के, एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ऑफ द प्लेन कह सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का है, तो जितने भी वेक्टर्स उस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, सारे के सारे जीरो होंगे। अगर इनका नाम मान लो इसका ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर है, इसका सी वेक्टर है, सभी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। आई एम श्योर आप सबको ये बातें समझ में आई। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने जनरल डेफिनेशंस के बारे में वेक्टर्स की, स्केलर की, सब बातें करी। आई एम श्योर ऑल द पॉइंट्स आर परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू।